हमारी टीम है छोटे छोटे जितने भी थे सारे एक साइज के इजान भाई अबे सारे एक साइज के सच में। टीम का जो सबसे घटिया प्लेयर था वो हमें दे दिया है। यार बहुत बहुत ही टेस्टी पुलाव है यार इसका। मैं पहले खा चुका हूँ तभी मैं यहाँ पर आ रहा हूँ। मैं इससे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ लंबा ऋतिक की तरह डांस में सिर के रोकेगा। Hi guys, assalamu alaikum. I hope you guys are doing well. और welcome to my second YouTube channel, which is Wahaj Haneef Diaries. काफ़ी टाइम बाद आपके लिए ब्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आज एक्चुअली हमारा हम लोग फुटसॉल खेल रहे थे एक दो दिन से, काफ़ी टाइम ज़्यादा नहीं हुआ खेलते हुए, तो आज हमारा मैच था तो मैंने बोला क्यों ना ये रिकॉर्ड किया जाए और आप लोगों को दिखाया जाए। वैसे गेम में जब मैं फीफा वगैरह खेलता हूँ तो उसमें मैं काफ़ी ठीक ठाक अच्छा खेल लेता हूँ, मैंने टूर्नामेंट्स वगैरह भी खेले, लेकिन रियल में थोड़ा डिफरेंट होता है क्योंकि ऑब्वियसली आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है बहुत ज़्यादा। तो उसी चक्कर के लिए मैं आज निकला था तो सोचा क्यों ना रिकॉर्ड कर लें व्लॉग। मेरे साथ आज मौजूद है उमर भी मौजूद है। उमर भाई कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। उमर भाई भी हैं। उमर भाई पता नहीं मेरी टीम से खेलेंगे किसकी टीम से खेलेंगे, एक दोस्त को और पिक करने जा रहे हैं। मुझे लगता है कि हम ऑलरेडी लेट हो चुके हैं क्योंकि मेरे पास कॉल्स आ रही हैं, लेकिन बात सारी ये है कि मुझे जो है ना अपना रास्ते में दो तीन काम और हैं वो करते हुए मुझे वहाँ पहुँचना है, तो देखते हैं कैसा रहता है। व्लॉग से जुड़े रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, अपने आप का अपने माँ बाप का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, और ये है कि काफ़ी दिनों बाद रिकॉर्ड कर रहा हूँ, देखते हैं कैसा रहता है। बाकी आप लोगों ने जो मेरे सेल्फ रिटन वर्जन जो थे उनको बहुत पसंद किया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और भी मैं कोशिशें कर रहा हूँ कि कुछ नई चीज़ें लाता रहूँ दूसरे चैनल पर, लेकिन आज का व्लॉग जो है वो है मस्ती वाला, फुटसॉल खेलेंगे हम, देखते हैं कौन जीतता है कौन हारता है, और मैंने बोला ये रिकॉर्ड करना चाहिए। क्या हाल है, कैसी तबीयत है आपकी? ये जो बड़ी माजरत लेट के लिए जैगी जो ये बोलता है ना, क्या हाल है कैसी तबीयत है आपकी, मुझे भी इससे आदत लगी है। तो माहौल इससे सेट हो जाता है ना, पता चलता है एनवायरनमेंट में यार हाँ बंदा आया है। बाकी जैगी का फुटबॉल का एक्सपीरियंस आप इनके बालों से लगा सकते हैं। काफी टाइम इसने फुटबॉल में लगाया। जैगी भाई प्लान क्या है आज का? आज का इंशाल्लाह जीतेंगे खेल के। अच्छा इतनी तमीज से अगर तूने अपने किसी जिंदगी में अपने टीचरों से बात की होती ना तो पता नहीं आज तू कहाँ होता। जैगी भाई मुझे आप ये बताएंगे यहाँ पे एटीएम है करीब में? यहाँ पे एचबीएल है करीब में, बस एक ही बैंक है। असल में मसला ये है कि ना अभी मैंने जब दोबारा असल में उधारी में मैं इतना आया हुआ इन लोगों की, मैं अपने कार्ड से पैसे नहीं निकालता, कैश में निकालना पसंद नहीं करता, तो मैं जैगी भाई की उधारी में इतना आया हुआ हूँ, उमर भाई की उधारी में इतना आया हुआ हूँ, तो जब मैंने इनसे दोबारा पैसों का बोला ना तो थोड़ी शक्लें बोरी थी, तो मैंने बोला कि निकाल के इनको फारिग करूँ फिर दोबारा इनसे पैसे मांग लूंगा मैं, क्योंकि वो निकालना वो सुस्ती लगती है यार, एटीएम जाओ पैसे निकालो, तो मैंने बोला इन लोगों से ले लेके देता रहा मैं जगह जगह, आज इन पे इतना उधार हो गया कि ये लोग अपनी एक एक गाड़ी ले लेंगे। मिलते हैं ग्राउंड में। ग्राउंड में पहुंच चुके हैं और यस्तूर भाई भी आ चुके हैं मैच खेलने। यस्तूर भाई क्या ख्याल है फिर? आज खेलेंगे इंशाल्लाह। जैगी भाई बिल्कुल खेलेंगे। ये हमारी टीम है छोटे छोटे जितने भी थे सारे एक साइज के। इजान भाई अबे सारे एक साइज के सच में। बाकी अवध भाई फराज भाई कैसे हैं भाई? अवध भाई भी आए हुए मैच खेलने। अवध भाई बेस बजाते हैं मेरे साथ, फराज भाई पियानो पे होते हैं, और कादरी भाई ये स्पेशल गेस्ट हमने बुलाया आज। उमर भाई प्लान ये है, अब मैं अस्तूर भाई आपसे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मेसी वाली परफॉर्मेंस। सही है, प्लान ये है कि बॉल अपने पास रखनी है, ठीक है, जब हम अटैक पर जाएंगे ना जैसी बॉल छिनेगी भाई ध्यान ही नहीं किसी का, जैसी बॉल छिनेगी ना, जब जैसी बॉल छिनेगी वापसी डिफेंड पे आना दो बंदों को, एक अटैक पे रहेगा जो कि मैं आऊंगा, ठीक है, सही। हमारा डिफेंडर अभी फिलहाल जाएगी आप हो और आपके साथ एक बंदा शेयर होता रहेगा, सही है, बाकी हम जीतेंगे, हम जीतने ही आए। भैया एक हाफ हो चुका है और एक गोल मैंने मारा है, एक गोल यस्तूर भाई ने मारा है। यस्तूर भाई ने बहुत अच्छा खेला है। यस्तूर भाई थैंक यू दादा, दो हलीम भी निकाल दो। वाह भाई क्या बात हो गई, चलो चलो क्या हो गया, जीतेंगे भाई और क्या। हाँ बहुत अच्छा हाफ था और पसीने देख के आपको लग रहा होगा हमारे गोल कीपर को बहुत ज्यादा क्रेडिट जाता है। दो एक पैर पे लगी है भाई के और एक मुंह पे।
चले भाई अब वही स्ट्रेटेजी है, बॉल अपने पास रखनी है पीछे डिफेंड तो करने आओ, जब हो ना फिर आ जाओ बीच में, जब थक जाओ, जब उनके पास बॉल छिने आप फौरन डिफेंड पे भागो, डिफेंड पे आए नहीं। चाहिए कुमार भाई कैसा गोल दिया आपको? बहुत अच्छा था। चले यार मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। भाई पहला मैच हम लोग जीत गए 3-0 से जीते कस्तूर भाई। कस्तूर भाई ने दो, एक उन्हें ने मारा, एक मैंने मारा, कस्तूर ने मारा, और उनकी टीम का जो सबसे घटिया प्लेयर था वो हमें दे दिया है। और अब काफी हद तक चांस है कि हम हार जाएंगे। फराज डाइया मारनी तुझे है? खेल लेंगे। चलो यार दूसरा मैच स्टार्ट हो रहा है। थैंक यू। चलो भाई क्या वजह थी हम के इतना इनको हमने वन साइडेड मार दिया? ये शख्स है इसकी वजह से लोग गेम आ रहे हैं। अवध भाई किस वजह से आ रहे हो मैच आप लोग? फराज की वजह। यार मैंने अच्छा नहीं खेला, फराज लगा भाई इनकी वजह से गेम आ रहे हैं ये लोग। ये हमने खेला भी अच्छा है, अस्तुर भाई ने बहुत अच्छी परफॉर्म किया। अस्तुर भाई ने बहुत अच्छा किया। वाह यार अस्तुर भाई ना कराया हो क्या भाई? अस्तुर भाई जो है ना, यशपुर भाई मेरे साथ बैंड में होते हैं, बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। ये बजाते हैं अपना लीड गिटार बजाते हैं ना सुन भाई। अवध भाई बजाते हैं बेस, दिखाओ अवध भाई को। अवध भाई बेस प्लेयर है। और फराज भाई भी कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं, आवाज़ आज तक आई नहीं स्टेज पे। स्टेज पे आवाज़ आई नहीं, कुछ ना कुछ करते हैं। तो ये सारे जो है ना हम साथ ही होते हैं। आज हमने फुटसल का मैच खेला, वन साइड हरा दिया, ऐसा हराया कि पाँवों में दर्द हो गया उनके। ये वाला सीन है। हम लोग इतनी जल्दी जल्दी में भागते हुए निकले, मुझे याद ही नहीं रहा कि गाड़ी में पेट्रोल डलवा। अच्छा मैं गाड़ी चलाने से बहुत भाग रहा हूँ आजकल। मैं गाड़ी ज्यादातर चलाता हूँ जब बहुत लेट नाइट हो या कुछ ऐसा हो, क्योंकि ट्रैफिक में ना मैं थक जाता हूँ यार। मतलब ट्रैफिक माशाल्लाह से इतना होता है। अभी रात के 2 बज रहे और पेट्रोल जो है वो 37 किलोमीटर गाड़ी चल सकती है, तो पेट्रोल डलवाते हैं कहीं से और पहले घर चलते हैं यार। मैं चेंज कर लेता हूँ क्योंकि इस होली में मैं किसी से मिल नहीं सकता अभी फ़िलहाल, जितना मैं आज भागा हूँ। चेंज करता हूँ, उसके बाद कुछ खाते हैं और फिर देखते हैं क्या करना है क्या नहीं करना। फ्रेश में हो गया था, फ्रेश होने के बाद मुझे भी भूख लग रही थी, बॉयज़ को भी भूख लग रही थी, क्योंकि मैंने सुबह उठा ही मैं लेट था, उसके बाद मैंने हल्का फुल्का कुछ खाया था। तो सही भाई क्या खाने का मूड है आपका? अभी देखते निकलते, टाइम तो थोड़ा सा ओवर हो रहा है, अभी क्या मिलेगा बाकी अल्लाह मान लीजिए। मुझे क्या खाना बेटा? कुछ भी देख लें आवाज भाई। यार कुछ कुछ ऐसा हो कि ना जो टेस्टी भी हो और ज़्यादा हैवी भी ना हो। सही कह रहे भाई। तो ये है बाकी यार क्या बात हो गई से लगी है, रेस लग रही है भाई इनकी। भाई हमका इतना नहीं आती ड्राइविंग व्राइविंग, हम तो बस अपनी हद तक चला लेते हैं, हमसे ना हो पाएगा। जैगी वैगी रेस वेस लगाते हैं विच इज नॉट गुड थिंग, बट जैगी को शौक है वो लगाता है। एक दफा मैं जैगी के साथ उसकी गाड़ी में बैठा था तो जैगी भाई ने चीखे निकलवा दी थी यार। और जब ये अपने घर से निकल रहा होता तो मुझे आवाज आ जाती है, इतना तो शोर करती है इसकी गाड़ी यार। एक यहाँ पे जगह है वहाँ पे ना 24 आवर्स वो मिलता है, उनका पुलाव बहुत मशहूर है। वैसे तो बीफ का पुलाव होता है, मैं बीफ इतनी खाता हूँ ही नहीं, बीफ ही नहीं खाता, तो मैं उनसे जब रिक्वेस्ट करता हूँ ना मुझे वो अलग से दे देते हैं राइस, तो मैं सिर्फ राइस खा लेता हूँ, बहुत टेस्टी होते हैं। तो जैगी वो खा सकते हैं इस टाइम पे। ये तो है इस टाइम क्या हो रहा है पता है? टाइम हो रहा है 3:16 हो रहा है रात के, और माशाल्लाह से हम घूम रहे हैं। वैसे घर पे खाना खाना चाहिए, गलत है बाहर का खाना ज़्यादा खाना, लेकिन यह है कि आज बहुत ज़्यादा बहुत टाइम बाद खा रहा हूँ मैं। मेरे ख्याल से कल मैंने खाया था बाहर का और आज खा रहा हूँ। यार असल में जिम भी नहीं चल रहा था, तो डाइट वाइट भी ज़रा थोड़ी आउट चल रही है, और काम ज़्यादा कर रहे हैं तो इस वजह से भूख ज़्यादा लग रही है। जब भूख ज़्यादा लग रही है तो ज़्यादातर बाहर पर ही खाया जाता है, तो ये सीन चल रहा है।
वो खाते हैं यार, वो अच्छा है, इतना बुरा नहीं है वो, मतलब इतनी लेट नाइट आपको अच्छा वो मिल सकता है। मैं मेरा फास्ट फूड खाने का बिल्कुल इरादा नहीं है यार, इस वजह से मैं कह रहा हूँ वो खाते हैं। क्या ख्याल है? ओके डन। नाम क्या है? नाम मुझे नहीं पता, आज अभी देखेंगे नाम चेक। ओके ओके। तो पुलाव उन्होंने हमें गाड़ी में ला दिया, वैसे गाड़ी में ला के देते नहीं है, उनका कोई रूल है कि आप वहीं बैठ के खाएं। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप ला दें, तो वो बॉय अच्छा था, उसने हमें ला दिया। ये पुलाव है हमारा। मैं वैसे बीफ नहीं खाता बिल्कुल भी, आप लोगों को पता होगा पिछले व्लॉग में मैंने बात बताई है, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की। अच्छा वो बीफ के अलावा देते भी नहीं है, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, मैंने बोला यार प्लीज़ आप मुझे बीफ के अलावा दे दें, तो उन्होंने दे दिया। जैगी कैसा है? बहुत टेस्टी है, बहुत टेस्टी है इनका पुलाव, बहुत टेस्टी है। कौन सी छालिया? तो भाई ने हमें ला दिया, आप खाते हैं इसको। यार मुझे बहुत भूख लग रही थी, जैसे ही आया ना मेरी भूख कम हो गई, पता नहीं क्यों। भाई ला रहे हैं यार, भाई भैया बहुत बहुत शुक्रिया आपका यार, अल्लाह आपको खुश रखे, थैंक यू। मैं बता दूंगा आपको यार, बहुत बहुत ही टेस्टी पुलाव है यार इसका। मैं पहले खा चुका हूँ तभी मैं यहाँ पर आया हूँ, और मेरा यही सब खाने का भी दिल चाह रहा था। फास्ट फूड इतना खाया जिंदगी में कि ना अब उससे दिल ही भर गया। अभी उम्र माशाल्लाह जाएगी, माशाल्लाह दोनों की खुराकें माशाल्लाह अच्छी हैं, मेरा तो इसमें फुल हो गया, बस मैंने अपने 7 अप डाइट मंगवाई है, तो वो पी के मेरा सीन सही है, क्योंकि इतना लेट खा रहे हैं तो इतना ज़्यादा खाना भी नहीं चाहिए, 4 बजने वाले हैं। हुनैन भाई के घर पे आए, हुनैन भाई से पार्सल पिक करना था हमें, और कुछ अपना डाटा भी उन्हें देना था ताकि वो एडिट कर दें। जैगी बाकी बता दे यार क्या हो रहा है अभी। जैगी अभी क्या कह रहा था तू? बिजली कौन दे रही है? कौन सी कौन दे रही है? बिजली कौन दे रही है? बारिश होने वाली है यार, बारिश होने वाली है, अब सो रहा है बहुत ज्यादा। हां बारिश होगी, अगर बारिश होगी तो नहाना है, ये है बारिश में नहाने का सीन आना है। मैंने सुना गीला होने से मसले हो जाते हैं। पे जा यार, पता नहीं हर किसी चीज में मसला ही होता। तो ये है बाकी अपना, हुनैन भाई व्लॉग एडिट करेंगे। आज बहुत थक गए यार, बहुत ज़्यादा थक गए। हेलो। तो खाना वाना खा के फुटसल का मैच खेल के घर आ गए थे, अभी ऑलमोस्ट 5 बजने वाले हैं सुबह के, तो नमाज वमाज पढ़ के सोऊंगा और कोशिश करूंगा कि व्लॉग जो है आप तक जल्दी पहुंचे। और जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, जिसका नाम है वहाज हनीफ डायरीज़। बाकी जो म्यूज़िक का चैनल है उस पर तो कॉन्टेंट आता ही रहता है। अपने आप का, अपने माँ बाप का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, क्योंकि वो हैं तो आप हैं और आप हैं तो वो। दुआ में याद रखिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें, क्योंकि कमेंट से मुझे बड़ा हौसला मिलता है, क्योंकि मेरे लिए बिल्कुल नया नया है ये, तो बड़ा हौसला मिलता है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।